आज के इस वीडियो के अंदर आप लोग को बताने वाली हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग क्वेश्चन 2 के आंसर्स। क्वेश्चन के आंसर्स बताने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि मैं यहाँ पर क्वेश्चन के जो भी आंसर्स प्रोवाइड आउट कर रही हूँ ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है। अगर आप मेरी चॉइस से इत्तेफाक नहीं करते तो आप गिवन ऑप्शन में से अपनी मर्जी का कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को परफॉर्म कर सकते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, टाइप टूल वी कैन क्रिएट डैश एंड पैराग्राफ टेक्स्ट इन एडोब इलस्ट्रेटर। हम टाइप टूल के थ्रू क्या चीज कर सकते हैं एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर? पॉइंटेड टेक्स्ट लिख सकते हैं, लीनियर टेक्स्ट लिख सकते हैं, रेडिकल टेक्स्ट लिख सकते हैं, या सर्कुलर टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो टाइप टूल होता है उसके थ्रू हम लीनियर टेक्स्ट लिखते हैं। लीनियर टेक्स्ट किस तरीके से लिखते हैं? आप जब भी टाइप टूल का इस्तेमाल करते हैं आपने देखा होगा कि आप सारा का सारा टेक्स्ट नॉर्मली लीनियर यानी कि पैरेलल या स्ट्रेट जो आपका होता है यहाँ पर टेक्स्ट आप उसमें लिखते हो टेक्स्ट को। आप उसको रेडिकुलर या फिर जो है वो सर्कुलर टेक्स्ट के फॉर्मेट के अंदर नहीं लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, शॉर्टकट की ऑफ स्मार्ट गाइड इज डैश, कंट्रोल यू, शिफ्ट यू, अल्टर यू, शिफ्ट आर। आपको बताना है कि आपके पास जो स्मार्ट गाइड्स होती हैं उसकी शॉर्टकट की क्या होती है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा कंट्रोल प्लस यू। अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ जो कि है हमारे पास, शॉर्टकट की ऑफ जूम टूल इन एडोब इलस्ट्रेटर इज ZTVA। तो हमें यहाँ पर बताना है कि जो शॉर्टकट की है जूम टूल की वो क्या है एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर। इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारे पास जेड। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जो कि हमारे पास, इन एडोब इलस्ट्रेटर सिलेक्शन टूल सर्व मल्टीपल फंक्शन सच एज सिलेक्शन, रोटेशन, डैश एंड रीस्केलिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। हमारे पास जो सिलेक्शन टूल होता है उसके थ्रू हम सिलेक्शन कर सकते हैं, रोटेशन कर सकते हैं, रीस्केलिंग कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, इनएक्टिविटी, टर्निंग, मूवमेंट, क्रॉपिंग। तो हम यहाँ पर मूवमेंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट आउट करेंगे क्योंकि टर्निंग जो होती वो रोटेशन के अंदर आ जाती है, क्रॉपिंग हम सिलेक्शन टूल के थ्रू नहीं करते। तो मैं यहाँ से मूवमेंट का ऑप्शन सिलेक्ट करूंगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इन एडोब इलस्ट्रेटर शॉर्टकट की ऑफ पेन टूल इज। आपको बताना है कि पेन टूल की शॉर्टकट की क्या है, शिफ्ट प्लस पी, कंट्रोल प्लस पी, पी एंड शिफ्ट प्लस डब्ल्यू। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर रहेगा पी। बाय द वे आगे के आंसर्स बताने से पहले मैं आपको बताती चलूँ पेन टूल से रिलेटेड कि अगर आपने अब तक ग्राफिक डिजाइनिंग एक्सरसाइज 2 को कंप्लीट आउट नहीं किया है तो इसका सलूशन मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड आउट कर दिया है। मेक श्योर कीजिए कि आप इस वीडियो को देख कर अपनी एक्सरसाइज को लाजमी कम्प्लीट कीजिए। और अगर आपकी एक्सरसाइज फाइल के लिए कार्टून डाउनलोड नहीं होते या आपको एडोब इलस्ट्रेटर का लिंक नहीं मिल रहा तो वो भी मैंने अपने वेबसाइट के ऊपर प्रोवाइड आउट करके रखा है। मेक श्योर कीजिए कि आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए। मैंने इस बेहेल वाली कार्टून का आपको ट्रेसिंग करना बताया है, अगर आप चाहें तो आप बाकी के दो कार्टून कैरेक्टर्स को भी ट्रेस कर सकते हैं और अपनी एक्सरसाइज को आप आसानी से सबमिट करवा सकते हैं। अगर आपने अब तक मेरा फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो इस ग्रुप को भी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि स्किल्स से रिलेटेड आपकी सारी हेल्प इस ग्रुप के अंदर प्रोवाइड आउट करती हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है, शॉर्टकट की ऑफ सिलेक्शन टूल इन एडोब इलस्ट्रेटर, शिफ्ट प्लस एस, कंट्रोल वी, वी एंड कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। आपने बताना है आपके पास जो सिलेक्शन टूल होता है उसकी शॉर्टकट की क्या होती है एडोब इलस्ट्रेटर में। इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारे पास वी। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इन एडोब इलस्ट्रेटर व्हिच टूल इज यूज्ड टू टाइप विद इन अ शेप। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा टाइप ऑन अ पार्ट टूल। अगेन आपकी अपनी चॉइस है कि अगर आपको कोई और आंसर ठीक लगता है तो आप अपनी मर्जी का कोई भी आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, शॉर्टकट की ऑफ आर्टबोर्ड टूल इन एडोब इलस्ट्रेटर इज शिफ्ट प्लस ए, शिफ्ट प्लस ओ, कंट्रोल प्लस ओ एंड कंट्रोल प्लस ए। तो आपने बताना है कि जो आपके पास आर्टबोर्ड टूल होता है एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर उसकी शॉर्टकट की क्या होती है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारे पास शिफ्ट प्लस ओ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, इन एडोब इलस्ट्रेटर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हेल्प अस टू सिलेक्ट एनी वन ऑफ और मोर एंकर पॉइंट ऑफ द शेप रेंडमली, सेपरेट, सिंगुलर, यूनाइटेडली। आपके पास जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल होता है वो किस तरीके से हेल्प करता है एक या एक से ज्यादा पॉइंट्स को सिलेक्ट करने के लिए? तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा यूनाइटेडली क्योंकि आप डायरेक्ट जो आपके पास है यहाँ पर सिलेक्शन टूल उसके थ्रू डायरेक्टली एक या एक से ज्यादा पॉइंट्स को आप सिलेक्ट आउट कर सकते हो। अगली क्वेश्चन है, इन एडोब इलस्ट्रेटर लीविंग मीन एडजस्टिंग द डिफरेंस बिटवीन डैश इन अ टेक्स्ट पैराग्राफ लाइंस वर्ड्स कैरेक्टर पॉइंट्स। आपके पास जो एडोब इलस्ट्रेटर
फिगर होता है उसमें लीडिंग का मीन क्या होता है, जिसके थ्रू हम एडजस्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन द टेक्स्ट एंड पैराग्राफ्स। इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारे पास यहाँ पर लाइंस। तो ये था हमारा आज का काफी अच्छा सा ग्राफिक डिजाइनिंग का क्वेश्चन नंबर 2। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। आखिर मैं फिर से बता दी चलूंगी, अगर आपने अब तक ग्राफिक डिजाइनिंग की एक्सरसाइज 2 नहीं की तो उसका सोल्यूशन आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। मेक श्योर कीजिए कि आप इस सोल्यूशन को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही साथ अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।